हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ का बैलेंस मिस कॉल के माध्यम से आप कैसे पता कर पाएंगे या पीएफ का बैलेंस एसएमएस के माध्यम से आप कैसे आसानी से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वह नंबर बताऊंगा जिस पे आप मिस कॉल करके आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं, और अगर आप एसएमएस के माध्यम से आप पीएफ का बैलेंस पता करना चाहते हैं तो एसएमएस को आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप ना करिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हमारा फ़ोन नंबर है और एसएमएस का जो फॉर्मेट है, दोनों इन्फॉर्मेशन जो है ईपीएफओ की वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो यहाँ पे सर्च बॉक्स है, यहाँ पे ईपीएफओ लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद जो यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जो अगला यहाँ पे वेब पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप बॉटम राइट कॉर्नर पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है नो योर बैलेंस। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बताया गया है कि पीएफ का बैलेंस आपको पता करने के लिए यहाँ पे दो तरीके दिए गए हैं। पहला जो है मिस कॉल के माध्यम से। तो दोस्तों, आप अपने नंबर से जो ये नंबर दिया है 01122901406, दोस्तों इस नंबर पे आपको डायल करना है। और जैसे ही डायल करेंगे तो दो रिंग जाएगा, उसके बाद फ़ोन ऑटोमेटिक जो है डिसकनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको पीएफ बैलेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा तरीका दिया है जिसके माध्यम से हम बैलेंस पता कर सकते हैं, वह है एसएमएस। तो आपको एसएमएस क्या करना है, ईपीएफओएचओ लिखना है, उसके बाद आपको यूएएन लिखना है, उसके बाद आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके तीन आपके शुरू के करेक्टर लिखने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको फाइनली लिखना है ईपीएफओएचओ यूएएनईएनजी, और दोस्तों इस मैसेज को आपको भेज देना है 7738299899। जैसे ही इस नंबर पे मैसेज भेजेंगे तो हमको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें हमको पीएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।